हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये आप मार्क कर लीजिए। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर वन, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के फादर कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर क्या है ये आपको सोच के बताना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, इससे चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहती है अगर आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो। और वीडियो के लास्ट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। तो बॉटनी के फादर कौन है? सही आंसर होगा थियोफ्रास्टिस। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बॉटनी के फादर देखा, इस क्वेश्चन में आपको बताना है मॉडर्न बॉटनी के फादर कौन है। सही आंसर होगा कार्ल लिनियस। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर होगा हिस्टोलॉजी। What is the chemical formula of laughing gas? हंसने वाली गैस का chemical formula क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र? Correct answer होगा A, N2O. What is the unit used to measure the depth of sea? समुद्र की depth यानी कि गहराई मापने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा फैदोमीटर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का साइंटिफिक नेम क्या है? करेक्ट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द, एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में काम करता है, तो सही आंसर ए होगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर, हेवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? करेक्ट आंसर होगा D2O. डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, तारों की दूरी किसमें मेजर की जाती है? सही आंसर होगा लाइट ईयर्स। द प्रिंसिपल यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ द आइटम बॉम्ब इज, आइटम बॉम्ब के काम करने में यूज्ड प्रिंसिपल कौन सा है? राइट आंसर होगा न्यूक्लियर फिशन। विच नोबेल गैस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? जीनोन। व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में क्या जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेयान। विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सी मेटल रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है? सही आंसर होगा मरकरी। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू, वो टेम्परेचर क्या है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल का सेम वैल्यू होता है? तो सही आंसर होगा बी, -40 degrees। व्हाट इज डीएनए फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये कई बार रिपीट हो चुका है।
तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज आर एन ए फुल फॉर्म? आर एन ए, इसका सही फुल फॉर्म कौन सा है? यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हेवी वाटर? हेवी वाटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि हेवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम बताना है। तो राइट आंसर होगा बी डीटेरियम ऑक्साइड। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की है? सही आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। व्हिच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियल? किस एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सी द स्टेप्स। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज द? किडनी की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट क्या है? सही आंसर होगा बी नेफ्रॉन। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन्स? विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की? सही आंसर होगा ए कासिमीर फंक। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीबी? टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए बी सी या फिर डी? सही आंसर होगा ए ट्यूबरक्लोसिस। व्हिच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स? इलेक्ट्रिक हीटर्स में कौन सा मेटल यूज होता है? राइट आंसर होगा निक्रोम। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज? विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। सी सही है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।